दोस्तों, कुछ बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर, इस तरह का कोई कैंपेन चल रहा है कि बहुत लोग यूँ कर रहे हैं कि ट्विटर पे जाइए, पोल करिए और पोल पे पार्टिसिपेट करिए और उससे नीट जे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सच्चाई आपको बता देता हूँ, ट्रूथ है। मीन्स आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। दोस्तों देखो, ट्विटर पे जो पोल्स होते हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये ट्विटर का जो रिज़ल्ट आएगा इसको पैमाना मार के कोई डिसीज़न लिया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। कितने लोग यस कहने वाले, कितने लोग नो कहने वाले हैं, ये कहाँ के हैं, किस स्टेट के हैं, क्या उसी स्टेट के, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसकी कोई ऑथेंटिसिटी कहने का मतलब नहीं है। ट्विटर पर आप जो भी यस करिए या नो करिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सिवाय आपके समय बर्बाद करने के। तो समय मत बर्बाद करिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आई रिपीट, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, सिवाय ये एक खुद का पर्सनल डाटा हो सकता है कि हाँ, इतने कैंडिडेट अगेंस्ट हैं, इतने कैंडिडेट इसके सपोर्ट में हैं, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं। ये एज अ प्रूफ कहीं पे नहीं दिखाया जा सकता है, ये आप जान लीजिए। और इसके बेसिस पे कोई डिसीज़न नहीं होता। अगर हाँ, इसी के बेसिस पे सारे डिसीज़न होने हैं तो फिर स्कूल कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, इस पे यस कहने वाले 90% हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, 90% हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़नी चाहिए, 90% से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। फिर सारे डिसीज़न ही ट्विटर पे ही क्यों ना हो जाएं, सोचने की बात है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टू बी फ्रैंकली सेइंग, कीप योर स्टडी ऑन ट्रैक। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक।